हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूविंग को प्रूफ करेंगे। तो आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूविंग प्रूफ करने जा रहे हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं हमारे पास है 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा अंडर रूट में। ओके, इसको अंडर रूट में हमने लिख के रखा है। ये अंडर रूट वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ओके, सो धीरे धीरे हम लोग का जो स्टैंडर्ड है वो रेज हो रहा है। अब हम लोग के जो क्वेश्चंस लेंगे वो थोड़े टफ लेंगे। ओके, तो बेसिक्स वीडियोस आपने अगर नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप में हमारे पास है 1 माइनस का कॉस थीटा और हमारे पास है 1 प्लस का कॉस थीटा, हमारे पास एक है एंड रूट में। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग जो नीचे वाला सिंबल है ना, नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर में, जो कि है 1 प्लस का कॉस थीटा, हम इसके निगेटिव साइन यानी अपोजिट साइन, बीच में कौन सा साइन लगा, पॉजिटिव का, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, निगेटिव। तो इसके निगेटिव साइन से हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म को, तो इसका अपोजिट टर्म क्या होगा, 1 माइनस का कॉस थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ओके, ऊपर और नीचे दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। सो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा पहला स्टेप है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दोनों ब्रैकेट में। ओके, मल्टीप्लाई सिंबल और अपोजिट साइन हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा एंड अपॉन नीचे भी सेम से नंबर से। ओके, क्योंकि जब हम रिवर्स बैक करेंगे तो आंसर वही आएगा। ओके, वन ही आएगा, तो इस मारे हम लोग सेम नंबर से। सो इतना हो गया। ओके, अब सेकेंड स्टेप में एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि ऊपर वाल है a प्लस कॉस थीटा और a माइनस कॉस थीटा और a माइनस कॉस थीटा। ध्यान दें तो ये है आपका a माइनस बी और a माइनस बी, और a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, सेम एज दैट वी डू इन दिस इक्वेशन। सो हम 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर एंड अपॉन में, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। सो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो सेम चीज हम यहां पे करेंगे, हम लोग यहां पर a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर एंड माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 का स्क्वायर चाहे 2 हो, चाहे 1 की स्क्वायर 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसका मतलब 1 ही होता है। तो बार बार इसकी स्क्वायर लगाए क्या फायदा, इसको 1 ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओके, तो इस स्क्वायर को हम लोग हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर थीटा और ये सब ब्रैकेट में हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए नीचे वाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। अगर हम इस कॉस को उधर उठा के ले जाएं यानी ड्रैग करके
बॉर्डर के उधर वाले ले जाएं आपके राइट हैंड साइड में, तो इसके पास है पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन है, आपको पता है जब बॉर्डर के उस बार ले जाते हैं इक्वल टू के साइन के इस पार ले जाते हैं, उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में एक इसमें चेंज हो जाएगा निगेटिव में, तो साइन स्क्वायर थीटा यही पे रहेगा, वन इधर है और कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि उधर उठ के गया, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ओके बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। तो अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम लोग यही करेंगे, वन माइनस का कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर ऐसी रहेगा एंड अपॉन का वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ओके साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या है, इन सब को होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे। देखिए वन माइनस कॉस थीटा ये भी आपका स्क्वायर में है और अपॉन जो साइन स्क्वायर थीटा है ये भी आपका है, तो सबको जो जितने भी ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसको हम लोग पूरा होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे पूरा होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, और ये है आपका अंडर रूट। तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये तो पता होगा स्क्वायर जो होता है वो रूट को एलिमिनेट कर देता है। तो फिफ्थ स्टेप है हमारा, अब हमारे पास क्या बचा है, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, क्लियर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे सिक्स स्टेप में, अब हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो हमारे पास बचा वन अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, क्लियर। क्यों अच्छा हम लोग ने ऐसा क्यों करा, अगर दोस्तों अगर आपसे मैं कहूं कि वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हम लोग को ये सिचुएशन मिलेगी, बिल्कुल यही मिलेगी। तो क्या अगर हम इसको इसमें कर सकते हैं तो रिवर्स बैक करके इस पोजीशन को इसमें भी तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने करा है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, एक स्टेप में बैक चला गया हूं। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, अब क्या करना है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। जो साइन थीटा है जब ऊपर जाएगा तो कॉसिक थीटा हो जाएगा, ये तो पता ही होगा, और आपको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये माइनस सिंबल लगा के कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड दिस इज हाउ आवर प्रूविंग हैज प्रूव्ड, क्लियर। सो वी इजली प्रूव दैट कॉसेक थीटा एंड माइनस का कॉट थीटा, देखिए कितनी इजी है, बट हमने कुछ कॉमन से फॉर्मूले यूज करे और हम लोग का आंसर था बिल्कुल जो प्रूविंग थी वो प्रूव हो गई। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इफ दैट वीडियो फाइंड हेल्पफुल सो लाइक, हिट द लाइक बटन एंड इफ यू वांट मोर सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दैट सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।